नमस्कार दोस्तों, हम फिर वापस आ गए हैं आपके सामने एक नए वीडियो के साथ। तो दोस्तों, इस समय पाकिस्तानी मीडिया में एक खबर चल रही है, वसीम अकरम ने दिया है बयान कि पाकिस्तानी क्रिकेटर्स को आईपीएल में खेलने का मौका देना चाहिए। अगर आप वीडियो का मेन हिस्सा देखना चाहते हैं तो वीडियो सीधा एक मिनट स्किप करके स्टार्ट कर सकते हैं और सीधे वीडियो के मेन भाग पर पहुँच सकते हैं। तो दोस्तों, वसीम अकरम पाकिस्तान के लेजेंड क्रिकेटर, पाकिस्तान के शायद सबसे बड़े क्रिकेटर, वो कभी ऐसे नेगेटिव बयान नहीं देते इंडिया की तरफ, इंडिया की ओर, जैसे कि शाहिद अफरीदी या शोएब अख्तर पाकिस्तान में बैठकर देते रहते हैं। उन्होंने बोला है कि पाकिस्तानी खिलाड़ियों को आईपीएल में खेलने का मौका देना चाहिए और उन्होंने यह भी बोला है कि इंडियन प्लेयर्स पीएसएल यानी पाकिस्तान सुपर लीग में आकर खेलें, जिससे कि दोनों देश के रिश्ते सुधरे। हालांकि वसीम अकरम एक बहुत बड़े खिलाड़ी हैं और आपको याद होगा इन्होंने केकेआर के लिए बॉलिंग कोच की भूमिका निभाई थी, और जब से पुलवामा हमला हुआ उसके बाद से पाकिस्तानी खिलाड़ी जो इक्के दुक्के आते थे वो भी अब नहीं आ रहे। तो चलिए दोस्तों, बिना किसी देरी के वीडियो की ओर बढ़ते हैं। आपसे रिक्वेस्ट रहेगी, प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें, सपोर्ट से मुतालिक पहले शाहिद खान आफरीदी साहब जो कि साबिक कप्तान है पाकिस्तान टीम के, उन्होंने इजहार ख्याल किया था कि शायद पाकिस्तान प्लेयर्स को वहां जाना चाहिए, उनके लिए नुकसान हो रहा है। और अब वसीम अकरम जो कि साबिक कप्तान है पाकिस्तान टीम के, उनको भी इस बात का दुख है कि पाकिस्तान के प्लेयर्स जो हैं वो आईपीएल में हिस्सा नहीं ले पा रहे। साबिक कप्तान पाकिस्तान क्रिकेट टीम वसीम अकरम ने ख्वाहिश का इजहार करते हुए कहा है कि चाहता हूँ कि पाकिस्तानी क्रिकेट टीम के नए खिलाड़ी आईपीएल का हिस्सा बने। खेल को सियासत का निशाना बनाना नहीं चाहिए, मगर ये दोनों ममालिक की हुकूमतों का मसला है और जब तक हुकूमतें फैसला नहीं करती तब तक आईपीएल में शिरकत जाहिर मुमकिन नहीं हो सकती। वसीम अकरम ने कहा है कि वो इस बात पर अफसरदा हैं कि पाकिस्तानी खिलाड़ी आईपीएल खेलने का मौका गंवा रहे हैं। मैं चाहता हूं कि पाकिस्तानी खिलाड़ी आईपीएल और भारतीय खिलाड़ी पाकिस्तान सुपर लीग खेल सकें। वसीम अकरम का मजीद कहना था कि उन्हें खुशी होगी अगर बाबर आजम मजबूत तरीके से भारतीय कप्तान विराट कोहली के साथ अपना मुवाजना जारी रखें और कोहली की तरह मजीद मुस्तकिल मिजाजी के साथ अच्छी क्रिकेट खेलते रहें। तो हसन, पहले शाहिद अफरीदी ने यह बात बोली कि खेलना चाहिए पाकिस्तान प्लेयर्स को, बात करनी चाहिए पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को आईपीएल से रिलेटेड बीसीसीआई से, और अब वसीम अकरम ये बात कह रहे हैं, तो वाकई क्या इतना बड़ा नुकसान है, क्योंकि पाकिस्तान सुपर लीग भी तो है ना पाकिस्तान के पास। देखिए, पाकिस्तान सुपर लीग तो है, मगर एक टॉप, आपको याद होगा टॉप लीग जो है वो आईपीएल भी हुई है, जिसमें पूरे वर्ल्ड के प्लेयर्स खेल रहे थे सारे, और जब आईपीएल का पहला एडिशन हुआ जिसमें प्लेयर्स जाके पाकिस्तान के खेले वहां पर जाके, मगर बीसीसीआई जो है वो बहुत स्ट्रांग जो है वहां पर चल रहा था और अगेंस्ट पाकिस्तान थ्रू आउट चलता रहा है बीच में, क्योंकि पाकिस्तान की क्रिकेट और इंडिया की क्रिकेट में बहुत ज्यादा फ्लॉज आ गए थे और गवर्नमेंट इश्यूज भी ऐसे हैं जिसकी वजह से अंडरस्टैंडिंग जो है वो अभी कम्युनिकेशन जो है वो बन नहीं सकता पाकिस्तान क्रिकेट में, चाहे वो कोई पाकिस्तान की सीरीज ले लें आप या कोई टूर्नामेंट ले लें। तो ये वर्ल्ड कप में तो आप देखेंगे कि ये आमने सामने हो जाते हैं, मगर वैसे भी सीरीज जो थी वो इंडिया ने पोस्टपोन की थी, मगर पाकिस्तान तो खुद खेलना चाहता है और पाकिस्तान ने पूरी दुनिया में हर जगह, स्कॉटलैंड में जाके खेली, स्कॉटलैंड की टीम है, नेदरलैंड में जाके खेले और नॉर्दर्न आयरलैंड बेलफास्ट में टेस्ट मैच था वहां पर जाके खेले, मगर इंडिया की एक अपने रूल्स रेगुलेशन है उनके, और ख्वाहिश किसकी नहीं होती, सबकी होती है कि पाकिस्तान की हमारी टीम जो है वो इंडिया में जाके खेले। अगर 90s की बात करें हम तो 90s में हमारे टूर होते थे, सियाराम कप हुआ हमने वो खेला इंडिया में जाके हैदराबाद दक्कन में, और फिर चंडीगढ़ जैसी जगह है वहाँ की आवाम, वहाँ के लोग जो है वो पाकिस्तानी प्लेयर्स को बहुत ज्यादा, आर्टिस्टों को, खिलाड़ियों को बहुत लाइक भी करते हैं, वहाँ पर जाके 90s में हम लोगों ने टूर किए बहुत पाकिस्तान के जमाने में। मगर आईपीएल एडिशन ऐसा हुआ है जिसमें बीसीसीआई का बड़ा एक सख्त रोल है पाकिस्तान के प्लेयरों के अगेंस्ट, जिसकी वजह से पाकिस्तान जो है प्लेयर्स वहां पर जा नहीं सकते, और शोबिस के अगर आप लोग देखें तो आर्टिस्ट लोग जो है वो भी वहां पर अब नहीं जा सकते, इनकी वजह से प्रॉब्लम हुई। बिल्कुल, मुल्की कशीदगी दोनों हुकूमत की, जैसे आप बात कर रहे हैं कि हुकूमत में कशीदगी है जिसकी बायस दोनों खिलाड़ी या दोनों मुल्कों की बाहमी सीरीज नहीं हो सकती, लेकिन हम देखते हैं जैसे पहले तला ने बताया कि शाहिद खान आफरीदी ने बयान दिया, वसीम अकरम ने बयान दिया, बिल्कुल अच्छी बात है कि दोनों खिलाड़ी अगर एक दूसरे के लीग्स में खेलेंगे तो अच्छा होगा, लेकिन हम देखते हैं कि पाकिस्तानी क्रिकेटर्स की जानिब से ऐसे बयान सामने आते हैं, भारत की जानिब से कोई खिलाड़ी, कोई क्रिकेटर इस तरीके के बयान नहीं देता कि पाकिस्तानी खिलाड़ियों को भी हमारी लीग में खेलना चाहिए, इसकी क्या वजह समझते हैं आप? देखिए, एक तो हम ब्रे हार्ट बहुत ज्यादा होते हैं मेरे ख्याल में, हम माशाल्लाह से हमें हर चैलेंज का सामना करना आता है और हमने किया भी है। अगर हम इंडिया की बात करें, इंडिया में जाके हम लोगों ने सीरीज भी जिताई है पाकिस्तान टीम ने, और जार मीना जैसे कोच भी थे वहां पर, वसीम अकरम जैसे बॉलर्स थे, वकार जैसे बॉलर थे, सकलान मुश्ताक जैसे ऑफ स्पिनर थे, तो उस टाइम पे 90s की टीम थी, सईद अहमद जैसे ओपनिंग बैट्समैन थे हमारे पास, तो डर कभी भी नहीं लगा और हर सीरीज का मुकाबला किया, और कलकत्ता ईडन गार्डन जैसा ग्राउंड था जहाँ पर तमाशाइयों का भरपूर शोर और जोश रहता है, जिसमें वहाँ पर अंडे भी फेंके जाते हैं, जिसमें वहाँ थ्रो बॉटलें बॉटल थ्रो भी की जाती हैं, तो अंडर प्रेशर तो पाकिस्तान दुनिया में हर जगह खेला है, स्पेशली इंडिया में बहुत ज़्यादा खेला है, तो पाकिस्तान जो है जो प्लेयर्स जो हैं उनकी मोटिवेशन बहुत हाई लेवल की होती हैं और वो स्ट्रॉन्ग बहुत ज़्यादा होते हैं, जिसकी वजह से हर चैलेंज को
कबूल अच्छा, कर अच्छा वसीम अकरम तो ने एक और अहम बयान दिया है कि वो चाहते हैं कि बाबर आजम ऐसे ही परफॉर्म करते रहें और साथ साथ विराट कोहली जो कि भारतीय कप्तान है उनके साथ अपनी कंपैरेटिव एनालिसिस जो कर रहे हैं कंपेयर कर रहे हैं मुवाजना कर रहे हैं वो जारी रखें और इसी तरह मुस्तकिल मिजाजी से जिस तरह विराट कोहली परफॉर्म करते आ रहे हैं हालांकि उन्होंने रिसेंटली कोई खासी अच्छी परफॉर्मेंस नहीं दिखाई इस साल ऐसे ही वो करते रहें तो ये तो बैक टू द पवेलियन हो गई ना बात कि बाबर आजम खुद कह रहे थे कि मुझे कंपेयर ना किया जाए मुझे मैं तो पसंद करता हूं विराट कोहली को लेकिन फिर वसीम अकरम कह रहे हैं कि आप कंपेयर करें नहीं मगर वो वसीम अकरम के अपने नाइस पे वो अपनी तरफ से एक ऐसा बूस्ट अप कर रहे हैं बाबर आजम को मगर बाबर आजम जो है एक डाउन टू अर्थ प्लेयर है और वो बस सर झुका के जो है वो कोशिश कर रहा है कि अपनी परफॉर्मेंस देते रहे और मैंने पहले भी कहा कि उनको कैप्टन बनाया जा रहा है तो वो अंडर प्रेशर हो जाते हैं मगर अपनी परफॉर्मेंस जो है इंडिविजुअली वो बड़ी मायने रखती है और बाबर आजम का एक नाम है एक मकाम है क्योंकि एक यंग टैलेंट नहीं है अभी इनके पास बहुत ज़्यादा टाइम है रन करने का तो जब बैट से रन निकल रहे होते हैं थ्रू आउट तो बॉल जो है आपको क्रिकेट बॉल वो फुटबॉल लगाना शुरू हो जाती है मगर बाबर आजम पे अगर ऐसे प्रेशर आते रहेंगे बीच में तो डेफिनेटली वो प्रेशर का शिकार होते रहेंगे और अंडर प्रेशर हो गया जब वो खेलेगा वो कोई भी प्लेयर खेलेगा तो उससे परफॉर्म नहीं होगा बिल्कुल हसन ये बात आप सही कह रहे हैं कि वसीम अकरम का अपना एक एनालिस है आप क्या अपना तज्जिया है और हम ये ख्वाहिश करते हैं कि जिस तरह आपकी अकेडमी में इस लड़के की वीडियो वायरल हो रही है इस पर भी साबिक क्रिकेटर्स बयान देते हुए नजर आए साथ साथ मैं ये भी जानना चाहूंगा कि टेस्ट टीम की कप्तानी का सेहरा बाबर आजम देखा वीडियो देख के आपको क्लियरली समझ में आ गया होगा कि पाकिस्तानी प्लेयर जो एक्स क्रिकेटर्स हैं वो चाहते हैं कि पाकिस्तानी क्रिकेटर्स आईपीएल में खेलें और पाकिस्तान के जो लेजेंड प्लेयर हैं उनको पाकिस्तान की तरफ से यहां पे आने का मौका मिले और वो कोचिंग करें यहां पर आईपीएल की टीमों को आपको पता है तो इस वजह से शायद वसीम अकरम ने यह बयान दिया होगा वसीम अकरम पाकिस्तान की तरफ से एक बहुत बड़े खिलाड़ी हैं आपको पता होगा वसीम अकरम ने पाकिस्तान के लिए लगभग 1000 विकेट लिए हैं और एक दोहरा शतक भी मारा है टेस्ट मैच में तो डेफिनेटली वो वन ऑफ द बेस्ट पाकिस्तानी प्लेयर हैं और लेजेंड प्लेयर हैं लेकिन उन्होंने आज तक भारत के खिलाफ ट्विटर में कभी इक्का दुक्का भी कश्मीर या जो मसले होते रहते हैं उन पर ट्वीट नहीं किया है जो भी मसले होते हैं लेकिन पाकिस्तान के कुछ खिलाड़ी हैं जैसे कि शोएब अख्तर शाहिद अफरीदी ने अभी कुछ दिन पहले बयान दिया था कि हमें भी आईपीएल खिलाओ हमें आईपीएल में खेलने का मौका दो पाकिस्तान के क्रिकेटर अगर आईपीएल खेलेंगे तो वो ग्रूम करेंगे दुनिया को एक अच्छा टैलेंट मिलेगा ऐसा शाहिद अफरीदी ने बोला था लेकिन उन्होंने 2002 में एक टीवी शो में बयान दिया था कि मुझे आईपीएल जैसी घटिया लीग से अगर कोई ऑफर आती भी है तो मैं पाकिस्तान में ही खेलना चाहूँगा वहाँ पर नहीं जाऊँगा ऐसा दोगलापन है शाहिद अफरीदी का और शाहिद अफरीदी हर दूसरे तीसरे दिन हिंदुस्तान कश्मीर मुसलमान ये वो बातें करते रहते हैं आपने अगर इनका ट्विटर हैंडल फॉलो किया हो तो शाहिद अफरीदी इस तरीके की बात करते रहते हैं और उसी तरीके के कुछ दोगले जैसे कि शोएब अख्तर भी एक बहुत बड़े दोगले हैं आपको याद होगा ये आईपीएल में उन्होंने काफ़ी काम किया है बहुत ज़्यादा काम किया है आईपीएल में एज अ कॉमेंटेटर एज अ एक्सपर्ट जब आईपीएल सेट मैक्स में आता था तब से ये शोएब अख्तर ने स्टार में आने से पहले भी आईपीएल में बहुत काम किया और इंडिया की बायरेटर सीरीज़ और जो भी इंडिया की सीरीज होती थी उसमें जो स्टार स्पोर्ट में दिखाई जाती थी उसमें शोएब अख्तर ने काफ़ी काम किया है शोएब अख्तर का भी आपने बयान सुना होगा शोएब अख्तर ने कुछ दिन पहले बयान दिया था कि बीसीसीआई आईपीएल कराने के चक्कर में दुनिया की क्रिकेट को तबाह कर रहा है ऐसा शोएब अख्तर का बयान आया था तो दोस्तों आप क्या कहना चाहेंगे प्लीज़ हमें कमेंट बॉक्स में जरूर शेयर करें पाकिस्तानी प्लेयर आईपीएल में खेलने चाहिए या नहीं खेलने चाहिए आपको याद होगा 2008 में जब आईपीएल का पहला एडिशन हुआ था उसमें पाकिस्तानी प्लेयर्स ने पार्टिसिपेट किया था आपको याद होगा मार्च अप्रैल में 2008 में जो पहला एडिशन हुआ था उसके बाद नवंबर में मुंबई अटैक्स हुए जिसके बाद से पाकिस्तानी प्लेयर आईपीएल में बैन हो चुके हैं आपको याद होगा शाहिद अफरीदी डेक्कन चार्जर्स के लिए खेलते थे शोएब अख्तर केकेआर के लिए खेलते थे मिसबाउल हक दिल्ली के लिए खेलते थे और सोहेल तनवीर राजस्थान रॉयल्स के लिए खेलते थे आपको याद होगा तो दोस्तों पाकिस्तान की तरफ से हर 15-20 दिन में ऐसे कुछ बयान आते रहते कि हमें आईपीएल खिला लो पाकिस्तान से सीरीज करा लो पाकिस्तानी सुपर लीग में भारतीय खिलाड़ियों को भेजो जबकि भारतीय एक्स क्रिकेटर्स या भारतीय एक्सपर्ट या भारतीय कमेंटेटर्स ऐसे कभी बयान नहीं देते तो पाकिस्तानी शायद अपनी हैसियत या अपनी औकात समझ चुके हैं कि भैया इंडिया के बिना हम पैसा नहीं कमा सकते हैं आप देखते होंगे हालांकि ऐसे कुछ प्लेयर हैं जैसे शोएब अख्तर जो अभी अपने यूट्यूब चैनल में हर एक छोटे इंडिया के मैच पर वीडियो बनाते थे अब वो वीडियो नहीं डाल रहे क्योंकि वहाँ के जो पब्लिक है उन्होंने शोएब अख्तर को इतना ज़्यादा क्रिटिसाइज किया है कि उस वजह से वो वीडियो नहीं बना रहे लेकिन राशिद लतीफ़ भी आपने इनका एक वीडियो देखा होगा आप अगर राशिद लतीफ़ कमेंट ऑन बीरेन सहवाग डालेंगे यूट्यूब पर तो इनका एक बहुत गंदा वीडियो मिलेगा जिसमें वो खुलेआम सहवाग को उल्टी सीधी गालियाँ दे रहे हैं
और अब राशिद लतीफ़ का आप यूट्यूब देखिए, इंडिया पे हर दो तीन दिन में वीडियो बनाते हैं डॉक्टर नोवान के साथ। डॉक्टर नोवान भी बहुत नेगेटिव बंदा है, लेकिन उसे पता चल गया कि इंडियन यूट्यूब में मार्केटिंग में पैसा कैसे कमाया जाता है। उसके बाद ये इतने वीडियो बनाते हैं इंडिया को पॉजिटिव पॉजिटिव बताते हैं, बातें करते हैं ये और वो। हालांकि ठीक है, क्रिकेट की अच्छी बातें करते हैं, लेकिन अंदर से ये जो है, इनके आप पुराने वीडियो देखेंगे तो इनके अंदर की सच्चाई पता चलेगी, और वो डेफिनेटली होगी, क्यों नहीं होगी। इंडिया पाकिस्तान में जब इतना ज़्यादा हेट है तो उनके अंदर भी हेट होगा, अपने अंदर भी हेट होगा।